हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आप सबको पता है, अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी वाली बात है आप सबके लिए कि दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के इतने पद जो आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसा कि आप और भी राज्यों में पुलिस की देखते होंगे, तो वहाँ पर ड्राइवर की वैकेंसी डायरेक्ट नहीं निकलती, दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट वैकेंसी निकल रही है ड्राइवर की। ये बहुत ही अच्छी और खुशखबरी की बात है। तो बस मैं हम उसी पर बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी हैं, कब से इसके फॉर्म ऑनलाइन किए जाएंगे, कब से क्या डिटेल है इसमें, फिजिकल क्या है इसमें, क्या क्वालिफिकेशन है। तो उसी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। आप सबके द्वारा मुझसे बार बार कई दिन से पूछा भी जा रहा था कि सर दिल्ली पुलिस ड्राइवर के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, तो बस इसी वजह से मैं आप सबको ये सारी बातें बता रहा हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक देखें, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो भर्ती आने वाली है 2022 में, अभी कुछ दिनों में ही आने वाली है, मैं आपको बताऊंगा कब से। देखिए इसमें जो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आपकी वो 1215 वैकेंसी है। अपने आप में ड्राइवर की, स्पेशल ड्राइवर की वैकेंसी 1215, हो सकता है आपको ये कम लग रही हो, लेकिन अपने आप में बहुत वैकेंसी है। 1215 वैकेंसी स्पेशल ड्राइवर की, तो इस वजह से बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। अगर हम इसमें योग्यता की बात करें तो देखिए योग्यता इसमें आपके पास 12th पास होनी चाहिए, आपके पास 12th होनी चाहिए, उसके साथ साथ लाइसेंस होना चाहिए HMV, यानी कि हैवी लाइसेंस होना चाहिए। HMV हैवी मोटर व्हीकल, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी और आपके पास 12th होनी चाहिए। इसमें कोई, अगर आप किसी एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए किसी भी तरीके का, बस आपके पास 12th होनी चाहिए और आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अब हम इसमें एज की बात करें कि इसमें एज कितनी मांगी जाएगी। देखिए जनरल की इसमें जो एज है वो 21 से 30 साल तक होगी और OBC की 21 से 33 साल तक होगी और SC और ST की 21 से 35 साल तक होगी। तो इस तरीके से आपकी एज होगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो फिजिकल होगा, इसमें जो आपको फिजिकल होगा वो क्या होगा इसमें फिजिकल। देखिए इसमें आपकी जो हाइट मांगी जाएगी वो 170 सेंटीमीटर की इसमें हाइट मांगी जाएगी और इसमें जो रेस होगी ना वो 1600 मीटर की रेस होगी। इसमें 1600 मीटर की रेस होगी और इसमें लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप होगी। 1600 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप और हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसमें एज की बात करें कि इसमें एज कब से काउंट की जाएगी, तो आपको पता ही है कि एज के ना साल में दो पार्ट होते हैं। अगर कोई वैकेंसी आती है, एक तो होता है जनवरी से लेकर के और जून तक और एक होता है जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक। तो इसमें जो आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 से, 1 जनवरी 2022 से इसमें एज काउंट की जाएगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे ज़रूरी, कि इसके फॉर्म ऑनलाइन कब से हो रहे हैं, देखिए उसको भी बता दूं मैं आपको। इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके वो होंगे 27 जून से। कब से होंगे? 27 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसी वजह से 1 जनवरी 2022 से इसकी एज काउंट की जाएगी। अगर ये वैकेंसी जुलाई से चालू हो जाती तो आपकी 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाती। इस वजह से आपकी 27 जून से वैकेंसी आपकी चालू हो रही है ऑनलाइन फॉर्म आपके, इस वजह से आपकी एज 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 जुलाई, यानी कि 27 जून से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 26 जुलाई। अब इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। देखिए आपका जो एग्जाम होगा CVT एग्जाम होगा और आपका जो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा CVT एग्जाम। अब उसके बाद आपका फिजिकल होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, कोई नंबर वंबर नहीं उसमें, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट यानी कि ड्राइवर का टेस्ट होगा आपका, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा फिर। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें जो पद हैं 1215 हैं। इसमें पद की संख्या घटाई बढ़ाई भी जा सकती है, ये भी बताएगा इस वैकेंसी। ये आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस की सारी वैकेंसी SSC के थ्रू कराई जा रही है। तो इसमें SSC ने बताया कि ये वैकेंसी घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों आज आप सबके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आखिर में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जी जान से अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आपके पास इतने सारे मौके हैं, अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का भी आपको पता है एग्जाम की, असिस्टेंट जो ऑपरेटर का होने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, अच्छे तरीके से मन लगाकर तैयारी करिए बहुत अच्छे ढंग से। ड्राइवर की वैकेंसी आपको पता है बार बार देखने को नहीं मिलती, आप खुद सोचिए आपने कब देखी थी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी 2018 में निकली थी,
उसके बाद अब आइए। और आपके लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण एक बात बता दूं कि अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो तो अगर हम उसके लिए बेस्ट बुक की बात करें जिससे आप अपने एग्जाम में अपनी एक जगह फिक्स कर सकते हो, बहुत ही अच्छी और बेस्ट बुक साबित होगी आप सबके लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं तो अब हम आपके लिए बेस्ट बुक की बात करें तो आपके लिए बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिससे आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक आपके लिए स्टडी गाइड बुक है, इसमें आपके सभी टॉपिक बहुत ही अच्छी सरलतम भाषा में कवर किए गए हैं और आपको इसमें पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से समझाया है। आप इस बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है और इस बुक को आप अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आज आपको मेरे द्वारा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बस मुझे यही सारी जानकारी देनी थी आज आप सबके लिए। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।